हिंदी पढ़ने वाले हिंदी द्वितीय भाषी तुम लोगों को जैसा कि पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ संज्ञा, संज्ञा क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से इसका पुनर्भ्यास करते हैं, फिर से रिविजन करते हैं। संज्ञा क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा है क्या। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, वस्तु कहने का मतलब कोई भी सामान, स्थान कहने का मतलब कोई भी जगह, जैसे यहाँ हो गया ये स्कूल हो गया, ये कक्षा हो गया, ये स्थान है। उसी तरह से भाव, किसी का भाव, किसी का हंसना रोना, ये सभी भाव बताता है। तो के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत, दुबला मोटा आदि। तो इस तरह से संज्ञा के तीन भेद बताए गए हैं। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? संज्ञा के तीन भेद बताए गए हैं। तुम लोगों के बुक में बहुत अच्छी तरह से और कक्षा में भी, क्लास में भी तुम लोगों को ये पढ़ाए गए हैं और एक्सरसाइज भी करवा चुके हैं, इसलिए तुम लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ कर और फिर से इसको पुनर्भ्यास करोगे, इसको रिवाइज करोगे। अब क्या है संज्ञा के भेद? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तीन भेद हैं इसके। कौन कौन? एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है किसी खास व्यक्ति से जब हम लोगों को बोध होता है कि ये संज्ञा सब किसी खास व्यक्ति के लिए या खास जगह के लिए या खास वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हम ले लें विराट कोहली और भारत, तो भारत ये हमारा देश भारत है। विराट कोहली, ये सभी को हम लोग विराट कोहली नहीं कहेंगे, यह विराट कोहली कहने से हम लोग खास व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं। उसी तरह से भारत कहने से हमारे देश भारत के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा विराट कोहली और भारत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा, किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, उदाहरण यहाँ दिया है। उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खिलाड़ी, अब विराट कोहली कहें तो वे एक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कहने से कोई सा भी विराट कोहली आएगा, सचिन तेंदुलकर आएगा, है ना, ये सभी महेंद्र धोनी आएगा, महेंद्र सिंह धोनी आएगा। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा में बहु खिलाड़ी कहने से हम लोग जातिवाचक संज्ञा जानेंगे और विराट कोहली कहने से ये हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा जानेंगे। आगे बताते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर है क्या। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा में बताए, जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसी तरह से भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के भाव, उसकी इच्छा, उसके मन में क्या है, वे बातें बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण ले लो दुखी, खुशी। तो तुम लोगों के बुक में बहुत सारे संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आता है, तो ये तुम लोगों को जानना जरूरी है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा तीन हो गए, संज्ञा के तीन भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक में अंतर क्या है? जिस तरह से हम एक उदाहरण ले लें, लड़का, लड़का ले ले, और दूसरा उदाहरण ले ले रमेश, तो रमेश कहने से क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन लड़का कहने से वह जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे तुम ही लोगों के क्लास से हम ले ले, जैसे हम ले ले सुरक्षा, अनिष्ठा, काव्यांश,
ये सब नाम बता रहे हैं, खास नाम बता रहे हैं, जैसे तिरुवन पुराण, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के कारण हो जाएंगे, लेकिन जातिवाचक कहने से कक्षा के बच्चे, कक्षा पांच के बच्चे, या लड़का लड़के, तो लड़का कहने से क्या हो जाएगा, काव्यांश और काव्यांश हो गया और तिरु पुराण हो गया। ये जो है ये दोनों क्या हो गया, लड़का में दोनों आ गए, तो ये जाति का बोध कराया। उसी तरह से लड़की में अनिष्ठा हो गई, उसी तरह से सुरक्षा हो गई, प्रेमा पालन हो गई, तो ये सभी क्या हो जाए, लड़की कहने से जाति, एक जाति का बोध कराना है। तो बस इतना ही तुम लोगों को जानना है। संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके कुछ उदाहरण, दो दो उदाहरण यहाँ दिया है, बाकी बहुत सारे रूप में दिया है। तुम लोग इतना इसको फिर से रिवाइज करोगे और बस इसी इतना ही के साथ आज का क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।